टीम ले ऑप्ट किया है। इस विचाले एडीजीपी गुरिंदर ढिल्लों ने वीआरएस ली है। दसवीं गुरिंदर ढिल्लों ने खराब सेहत का हवाला दिता है। इसे विचाले ढिल्लों को स्पेशल एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज से दसवीं एडीजीपी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं आजाद महसूस कर रहा हूं। चोणां दे विचाले पंजाब दे होर वड्डे ऑफिसर्स दे वलों वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑप्ट की गई है। एडीजीपी गुरिंदर ढिल्लों ने जिन्हों का असं जिक्र कर रहे हैं उन्होंने वालों वीआरएस ले ली गई है। गुरिंदर ढिल्लों ने खराब सेहत का हवाला दिता है। ढिल्लों के कोल दस कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज सीगा वड्डे अहुदे ते तैनात सीगे। एडीजीपी ढिल्लों ने ट्वीट करके इस गल की पुष्टि भी की है। तो उन्होंने लिखा है कि मैं आजाद महसूस कर रहा हूं। चोणां दे विचाले पंजाब दे होर वड्डे ऑफिसर ने वीआरएस ऑप्ट किया है। इस तो पहले दो आईएएस ऑफिसर दे वलों भी जो है प्री रिटायरमेंट ले ली गई थी। जे असीं गल करिए परमपाल कौर दे वलों भी हाल ही च आईएएस अहुदे तों अस्तीफा दिता गया सीगा। हाल ही च उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। बाद च उन्होंने बठिंडा लोग सभा सीट तो बीजेपी दे वलों कैंडिडेट ऐलाना गया सीगा। दूसरे एक होर आईएएस अधिकारी सीगे ते हुण चोणां दे विचाले इह पंजाब दे होर वड्डे ऑफिसर दे वलों वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑप्ट की गई है। एडीजीपी गुरिंदर ढिल्लों ने वीआरएस ले ली है। ढिल्लों के कोल एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज सीगा। इस विचाले गुरिंदर ढिल्लों ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मैं आजाद महसूस कर रहा। एडीजीपी के वालों ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि जी हाँ मैं अपनी पुलिस की नौकरी तो वीआरएस ले ली है। मैं पिंजरे तो आजाद महसूस कर रहा। देखते हाँ किस्मत कितने ले जाती है। ट्वीट किया गया है एडीजीपी गुरिंदर ढिल्लों वालों। मेरा मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन से मौजूद ने। पंकज चोणां दे विचाले पंजाब दे एक होर वड्डे ऑफिसर दे वलो वीआरएस वजह की रही। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके इस गल का जिक्र किया है कि मैं आजाद महसूस कर रहा। देखो जदों इस्तीफे की या फिर कही वीआरएस की जदों डीजीपी के कोल फाइल गई थी उस सेहत खराब का हवाला जिहड़ा उह दित्ता गया सी। 31 मार्च नूं 31 मई नूं जानकारी मिल रही है कि रिटायरमेंट उन्होंने आ रही थी। लेकिन हुण जिहड़ी जिहड़ी उन्होंने वालों ट्वीट किया गया ये कितना कितने ये सियासी मायने इसे कढ़े जा रहे हैं कि जिहड़ा वह आने वाले समय किसी सियासी पार्टी के नाल वो जुड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने राबता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, गलबात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वालों अजे फोन जिहड़ा वो नहीं चुकया गया। लेकिन एक ट्विटर के जरिए जिहड़ा उन्होंने कहा है कि मैं पिंजरे तो बाहर निकल के आजाद महसूस कर रहा हूं, वो इस गल का इशारा जरूर कर रहा है। और अगली लाइन दे विच की क्योंकि चुनावी मौसम असीं पहलां देखिया कि बीजेपी ने कैंडिडेट बठिंडा तो जिहड़ा एक आईएएस जिहड़ा महिला अधिकारी नूं बनाया गया तो उस तो बाद जिहड़ा वह चर्चावां बहुत सारियां ने कि कुछ होर अफसर या जिहड़े वो देख रहे हैं कि सियासी पारी खेडी जा सकती है क्योंकि रिटायरमेंट के बिल्कुल नेड़े आते हैं। कई सारे अफसर उस वे जिहड़ा वह किसी सियासी पार्टी के नाल जुड़ जाते हैं। तो यह देखने वाली गल होगी कि हुण गुरिंदर सिंह ढिल्लों होरां दा अगला स्टैप किसी सियासी पार्टी के नाल होएगा या फिर सेहत ही खराब सी उन्होंने जिहड़ा हवाला जदों वीआरएस लैनी सी उस वे दिता गया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सानू तमाम जानकारी देने लई। ते इस विचाले सेहत खराब का हवाला उन्होंने वालों दिता गया है। पर उन्होंने ट्वीट करके इस गल का जिक्र किया है कि मैं आजाद महसूस कर रहा। तो देखना होगा कि गुरिंदर ढिल्लों का नैक्सट स्टैप की कुछ रहने वाला। रुकांगा अगली खबर दा। साबका विधायक जस्सी खंगूड़ा दे वलों आम आदमी पार्टी दा पल्ला छड्या गया है। दस कि जस्सी खंगूड़ा ने आम आदमी पार्टी तो अस्तीफा दे दिता है, रेजिग्नेशन देता है। काबिले गौर है कि 2022 कांग्रेस छड़ के आम आदमी पार्टी शामिल होए सीगे जस्सी खंगूड़ा। ते साबका विधायक ने ते इस विचाले जस्सी खंगूड़ा दे वलों आम आदमी पार्टी छड दित्ती गई है। तस्वीर तुहानू विखा रहे हां, जस्सी खंगूड़ा ने आम आदमी पार्टी तो अस्तीफा दे दिता है, रिजाइन कर दिता है। इस विचाले 2022 कांग्रेस पार्टी छड के आम आदमी पार्टी च आ शामिल होए सीगे। इस्तीफा दे दिता गया।